हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज डे टू है और मैं पहुंच गया हूं कटिहार जंक्शन। यहां से और 25 किलोमीटर मुझे स्टेशन से बाहर जाना है दीवानगंज, वहां पे हमारा फार्म हाउस है। लेट्स गो गाइस, यहां से पहले हम जाएंगे अभी अपना ऑटो या फिर बस पकड़ के जाएंगे दीवानगंज। लेट्स गो। गाड़ी पूरा राइट टाइम पर पहुँचा है गाइज, एंड 9:50 इसका टाइमिंग है, 9:35 पे ही पहुँच चुका है ट्रेन। बिफोर है, मतलब आज बिफोर पहुँचा है ट्रेन। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी स्टेशन के बाहर, आप देख सकते हो ये है कटिहार जंक्शन, ये पूरा स्टेशन है। तो यहाँ से मैं पहले जा रहा हूँ ऑटो या फिर बस पर बैठ कर जाऊँगा दीवानगंज। लेट्स गो गाइस। तो गाइस, मैंने ऑटो ले लिया है दीवानगंज के लिए, आप देख सकते हो आगे बैठा हूँ। पूरा चक्का जो भरा हुआ है गाइस ऑटो में, कई जगह बाकी नहीं है, आगे ही खाली था, आगे ही बैठा हूँ मैं। पूरा एक्सपीरियंस करते हुए जा रहा हूँ बार बार। गाइस थोड़ा आगे जाते ही 10 किलोमीटर मुझे हाईवे पे पीछे वाला सीट खाली मिल रहा था, मैं पीछे बैठ गया गाइस। और इधर गाइस अभी आम हो रहा है, आप देख सकते हो साइड साइड में चारों तरफ आम हो ही रहा है। उधर तो हमारे संबलपुर उड़ीसा तरफ पूरा ख़त्म हो चुका है आम, अभी देसी आम वगैरह, इधर तो आम हो ही रहा है गाइस। तो गाइस ये हाईवे जाता है पूर्णिया बरौनी, ये बहुत सारे जगह यहाँ से निकलता है। और ये सारा हाईवे नया बनाया गाइस, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है राइट नाउ बिहार। सो फाइनली गाइज, मैं आ चुका अपना फार्म हाउस पे, और वो मेरी दादी है। दादी हाय बोल, दाई दाई हाय बोल, हाय बोला। ये फार्म हाउस है हमारा, अब देख सकते हो, मैं आपको उसका टूर पे लेके जाऊंगा शाम को, पहले फ्रेशन अप हो जाता हूँ। लेट्स गो। सो गाइज, मैं आकर थोड़ा सो गया था, काफ़ी थक गया था, इसलिए एक अच्छा नैप के बाद उठा दो तीन घंटा सोकर, और अभी छत पे आया हूँ मैं, आप देख सकते हो ये है मेरा फार्म हाउस। चारों तरफ मक्का, सब तरफ खेती होता है, किसी में मक्का किसी में मिर्ची लगा हुआ है, आपको एक एक करके दिखाता हूँ। लेट्स गो। ये छत है, पानी टंकी है इधर, वहाँ पे थोड़ा बहुत अनाज वगैरह रहता है, इधर केला का पेड़ है। तो यहाँ से रास्ता है गाइस, नाली जैसे पानी नहीं आता है क्या, नाली जैसा वैसा रास्ता है। आप ये देख सकते हो नींबू भरा हुआ है इस साइड। पहले बहुत कुछ उपजाती थी मेरी दादी, अभी थोड़ा नहीं सकती है, थोड़ा उम्र हो गया है, तो सब खेत लीज पे है। जो होता है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करके, ये अनार है आप देख सकते हो, ये अनार है, और ये गन्ना का पेड़ है आप देख सकते हो गाइस। ऐसे छोटा छोटा नाला बना हुआ है, क्योंकि हमारा वो वाटर सप्लाई सिस्टम ये गांव में, आपको उस तरफ लेके जाऊंगा जल्दी। इस तरफ ये नींबू सूख चुका है आप देख सकते हो, ये मिर्ची का पेड़ है, लाइक एक छोटा सा जगह पे, लाइक 15-20 जिसमें सिर्फ मिक्स करके पूरा फार्मिंग कर रही है, बाकी ऐसे अलग अलग करके मक्का लगा हुआ है आप देख सकते हो। इधर से पूरा पता है 60 डिसमिल पूरा मक्का लगा हुआ है, इधर से 20-30 डिसमिल पूरा घिवरा लगा हुआ है, घिवरा देख सकते हो, बम्बू का पेड़ है सामने, और वहाँ पे गागड़ का पेड़ है। ऐसा करके मल्टी फार्मिंग करती है दादी 20-30 एकड़ पे। ये पत्ते खाते हैं, वो भी पेड़ है, एंड एक घर का पीछे हिस्सा है, मैं इसी तरफ से लेके जाता हूँ। सामने आम भी है, लिखाऊंगा एक बार, पहले इधर दिखा दूँ। ये सब भी अपने ही एरिया पे आता है, ये छोटा सा जो बैम्बूज लगा है, इसमें भी घिवरा वगैरह होता है। पीछे भी देख सकते हो नींबू कितना सारा हुआ है, नींबू बहुत होता है इस तरफ मेरे घर की तरफ। ये टंकी का एक पॉइंट है, ऊपर जाता है जो पानी, यहीं से बंद होता है, यहीं से चालू होता है। ये मूंगफली का पेड़ है गाइस, यहाँ से ये पानी गिरता है पूरा नीचे, पूरा गांव में जाता है, हर जगह जहाँ जिसको जाना है जिसको चाहिए। रेंट पे चलता है 70 रुपीज़ पर आवर, यह आप देख सकते हो सामने। अब आपका आम दिखाता हूँ, लेट्स गो।
तो गाइस इसी के साथ ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। एंड पहले बहुत सारा चीज़ उगता था, आम वगैरह भरा रहता था, अब वो टाइम चला गया है। पहले पापा भी थे बहुत सारे, मतलब चीज़ होता था, पापा भी मेंटेनेंस करते थे आकर। अब हम लोग भी वर्किंग, आप जैसे डीजे पे वॉक शो कर रहा हूँ, ये सब तो बाई चांस आ पाता हूँ गाइज। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बने रहो, आपको पूरा गाँव दिखाऊँगा, मौसी के घर लेके चलूँगा, दादी नानी के घर लेके चलूँगा, ये मेरा दादी का घर है, नानी के घर लेके जाऊँगा। सी यू गाइज़।